एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो मेरी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुका है। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी क्योंकि अल्टीमेटली 12th के बाद कुछ तो करना है और सबका ड्रीम क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो उसका एडमिशन प्रोसेस आज से चालू हो चुका है, पर मेन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 12th की मार्कशीट नहीं है, हमारे 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, हम इसको रजिस्टर्ड कैसे करें। तो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सारी एडमिशन प्रोसेस, सारी गाइडलाइंस, हर चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एडमिशन प्रोसेस में। देखो क्या क्या क्वेरीज है। सबसे पहली बात, ये स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, ये आज से स्टार्ट हुआ, अभी हम डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है या ऑफलाइन है, दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर घर बैठे बैठे काम हो जाएगा, ठीक है। 12th का रिजल्ट नहीं आया तो क्या मैं रजिस्टर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है सर, और एक और चीज़, इसको सक्सेसफुली कैसे सारी चीज़ें सर आप एक बार समझा दो, जिससे कि हम टेंशन फ्री हो जाए। देखो मेरी बात, सबसे पहली बात ये देखो कि ये एडमिशन प्रोसेस आज चालू हुआ है, मतलब 20 जून को 5 बजे से इसका लिंक DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो गया है, और ये एडमिशन प्रोसेस 4 जुलाई 2020 तक चलेगा। ये आज की डेट है, मतलब अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि हम 4 जुलाई 2020 तक अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलाएंगे। ये रजिस्टर्ड करना पड़ता है हमें रिस्पेक्टिव कोर्स के लिए, तभी हमें एडमिशन मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे देखो, सारा प्रोसेस, सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किसी भी कोर्स के लिए सब एंटायरली ऑनलाइन है, मतलब हर छोटे से छोटा प्रोसेस कोरोना वायरस के कारण फिजिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए सारी चीज़ को मतलब कंप्लीट चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया और कॉन्टैक्ट लेस मैनर में कर दिया, कंप्लीट चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोटा होते हैं बहुत सारे, एक होता है ECA कोटा, एक होता है स्पोर्ट्स कोटा। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि इस बार जो हमारा ECA कोटा था वो स्क्रैप हो गया है, क्योंकि उसके ट्रायल्स पॉसिबल नहीं है, उसमें चीटिंग हो सकती है, ट्रायल्स के बिना ECA कोटा करना पॉसिबल नहीं था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ECA कोटा को स्क्रैप कर दिया है। उसके बाद एक अच्छी खबर है कि हमारा जो स्पोर्ट्स कोटा और ये NCC कोटा है, ये सब स्क्रैप नहीं हुए, पर इनके ट्रायल्स नहीं होंगे, इनका एडमिशन फुल आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा। और एक और क्वेश्चन, 12th के सर्टिफिकेट की, 12th के रिजल्ट की अभी जरूरत है या नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर 12th के एग्जामिनेशन की, 12th के रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसको अपन अभी एक्सप्लेन कर देते हैं क्या प्रोसेस है। देखो सबसे पहले क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन लिंक हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन अपना पोर्टल खुला है, देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक मिनट चलो। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल हमारा खुला है, उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन भर देनी है, सारी मतलब सब कुछ भर दो, 10th की भर दो, हर अपनी इन्फॉर्मेशन भर दो, पर जो 12th वाला आपका पोर्शन है ना, उसको एक बार खाली छोड़ दो, उसको एक बार खाली छोड़ दो, और फॉर्म को रजिस्ट्रेशन फीस के साथ सबमिट कर दो, फॉर्म को 4 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन फीस के साथ सबमिट कर दो, सबमिट कर दो, 12th वाले पोर्शन को खाली छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा, 4 जुलाई के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा। जो बच्चे 4 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, वो DU में एडमिशन लेने का सपना छोड़ दो। हमें सबसे पहले 4 जुलाई तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के अंदर अभी 12th के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। 12th के सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन को एकदम ब्लैंक छोड़ दो और रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर दो, पेमेंट कर दो फीस की। फिर क्या होगा, देखो 4 जुलाई के बाद जब हमारे 12th के एग्ज़ाम हो जाएंगे, 12th का रिजल्ट आ जाएगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल दोबारा खोलेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल दोबारा खोलेंगे, और दोबारा खुलने के बाद उसके अंदर सब लोगों को अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड तब करनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप 4 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कर दो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग, जो कोर्स आपको पसंद है, जो कोर्स आपका ड्रीम है, उसके रिगार्डिंग आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर दो, बिना 12th एग्जाम दिए हुए, बिना 12th की मार्कशीट अपलोड हुए हुए, बाद में 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब 12th की मार्कशीट अपडेट करने का आएगा, तब मैं आपको YouTube के अंदर बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स देखो, डॉक्यूमेंट्स अपन को कौन कौन से चाहिए। एक तो पहले स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए सारे, अभी से तैयार करके रख लो जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तैयार करके रख लो खुद की, एक खुद के साइन तैयार करके रख लो, उनको स्कैन करके रख लो। उसके बाद 10th की सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या होता है, 10th की मार्कशीट निकालो और उसमें खुद साइन कर दो, और उसकी स्कैंड कॉपी निकाल लो, इसकी कॉपी निकाल के रख लो। कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, SC ST PWD OBC EWS, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कास्ट सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद फॉर्म हुआ होना चाहिए। 31 मार्च 2020 के बाद ये कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए, तभी वो चीज़ वैलिड होगी। अगर मान लो नहीं है, चिंता मत करो, ये चीज़ भी बाद में अपडेट हो जाएगी। पर एक बार अपनी कास्ट फिल कर देना कि अगर मेरे को ओबीसी में इंटरेस्टेड है तो मैं ओबीसी फिल कर दूँ, और अगर अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो बाद में जब पोर्टल खुलेगा तब ये अपना सर्टिफिकेट अटैच हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलो, उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन ले रहा है उसको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की कॉपी होना, उनका जो उसके जो अचीवमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब क्या हुआ, सबका सर्टिफिकेट निकाला, खुद साइन करके स्कैन कर लिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब मैं हर चीज को खुद वेरीफाई कर रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स असली लगाना, फेक बिल्कुल मत लगाना, इन सब का बाद में वेरिफिकेशन होएगा। बाद में ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होगा और एडमिशन सक्सेसफुल होने के बाद ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी होगा। तो अपन ने अभी तक क्या क्या देखा, 12th की मार्कशीट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लास्ट डेट अपन ने देख ली। अब देखो मेरी बात, DU.AC.IN के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट है DU की, आज 5 बजे बाद से वहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो गया है। आपको यूजी कोर्स में लेना है यूजी कोर्स में लो, पीजी में लेना है पीजी में लो, पीएचडी में लेना है जहाँ पर भी लेना है लो, इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उस सेक्शन को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, यूजी की 250 है और पीजी की 750 फीस है। सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट भरना, और 12th की मार्कशीट नहीं है तो अभी मत भरो, बाद में पोर्टल खुलेगा तब भर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 12th का रिजल्ट जब पोर्टल अपडेट होएगा तब दोबारा कर लेना। उसके बाद हमारा 12th का जब अपन अपलोड कर देंगे तो बाद में 1 2 3 महीने बाद क्या होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कट ऑफ निकलेगी, कॉलेजेस निकलेंगे, प्रेफरेंस निकलेगी, सारा आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद आपकी ऑनलाइन पेमेंट होगा फीस का भी। इतने आगे की प्रोसीजर की बात करनी नहीं है, अभी अपन को यह ध्यान रखना है कि जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन प्रोसेस आज 20 तारीख को 5 बजे से चालू है वो 4 तारीख तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कहीं भी 12th की मार्कशीट की जरूरत नहीं है, सारी स्कैन कॉपी तैयार कर लो और जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लो जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आए। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, एक बार और देख लेते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लेना, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हें चाहिए वो 31 मार्च के बाद अगर अभी बन रहा है तो बनवा लो, वरना बाद में भी अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 10th की मार्कशीट कर देना अटैच, इन सबकी स्कैन कॉपी निकाल लेना, सेल्फ अटेस्ट कर लेना, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अपन ने DU का पूरा एडमिशन प्रोसेस जो भी अभी आपको करना है वो देख लिया, सिर्फ जाके प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर दो जिससे कि आपको बाद में एडमिशन मिल सके अपने ड्रीम कॉलेज में। रजिस्ट्रेशन 4 तारीख तक है, 4 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग CS की फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, हमने 60-70% CSET का कोर्स अपलोड कर दिए हैं और बाकी कोर्स भी आने वाले 10-15 डेज में अपलोड हो रहे हैं। इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी, सर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर एक बार समझा दो, तो मेरे को ये अर्जेंट में वीडियो लानी पड़ी। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।